हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियोज। एक बार फिर से आपका स्वागत है सुबह के 5:30 बजे वाले सेशन में, जिसमें हम करते हैं डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस का डिस्कशन जो दिन भर में आपके लिए बेनिफिशियल तो होंगे ही, साइड बाय साइड आपके आने वाले हर एक एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेंगे। आज की क्लास में जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, दैट इज क्लॉक। अब क्लॉक हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया हुआ है, लेकिन आज जो आपका फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस होगा वो है आपके इमेजेस पे बेस्ड। अब इमेजेस पे बेस्ड, या तो ये बोला जाए प्रतिबिंब पे बेस्ड, तो ऑब्वियस सी बात है कि इन क्वेश्चंस को अगर ट्रिक से करें तो ज़्यादा आसानी से भी सॉल्व होते हैं, ज़्यादा जल्दी भी सॉल्व होते हैं। तो बस एग्ज़ाम में भी आपको यही करना है कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट लगाने से अच्छा, पूरी की पूरी मेथड लगाने से अच्छा, अगर हम सीधा सीधा ट्रिक अप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा जल्दी भी आ जाएगा और सही भी आएगा, एक्यूरेट भी आएगा। तो चलो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इमेजेस की ही सारी सारी ट्रिक्स। अब इमेजेस में ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग दोनों के दोनों इमेजेस देखेंगे, दैट मीन्स मिरर इमेज पे भी हम क्वेश्चन देखेंगे और मिरर के अलावा वाटर इमेज के भी क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या देखेंगे, बेसिकली मिरर की ट्रिक और वाटर की ट्रिक, ये दोनों के दोनों ट्रिक्स हम लोग आज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं। बट ऑफ कोर्स जैसा कि आपको पता ही है कि क्लासेस का टाइमिंग जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी क्लास एक्चुअली होते किस किस टाइम पे है। तो सबसे पहले अगर हम वाईफाई स्टूडियोज की बात करें, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर रेगुलर बेसिस पे 5:30 बजे ये क्लास प्रीमियर होती है, मंडे से लेके सैटरडे तक। और इसके अलावा सैटरडे संडे 7 बजे से 8 बजे तक शाम को ये क्लास लाइव चलती है। अब आगे अगर हम अनअकैडमी पोर्टल की बात करें या आपके अनअकैडमी की लर्नर्स ऐप की बात करें, तो वहाँ आपको हमारी 2 क्लासेस मिलेंगी, एक सुबह 7:30 से 8:30 बैंक की और एक रात में 9 बजे से 10 बजे तक SSC की। इसके अलावा प्लस कोर्स की टाइमिंग 12 बजे से 1 बजे तक है, जिसमें अगेन हम SSC और स्टेट लेवल एग्जामिनेशन का सिलेबस ही कवर कर रहे हैं। जिस प्रोफाइल को फॉलो करना है अनअकैडमी पे, दैट इज समष्टि शुक्ला। एंड इसके अलावा जिस कोड को यूज़ करके 10% डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे, वो है SMS 10। अब आगे अगर हम बात करें तो एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन का प्रोसेस है, तो उसको भी हम लोग ज़रा सा नज़र डाल लेते हैं। करना कुछ नहीं है आपको, सिर्फ हमारी प्रोफाइल फॉलो करनी है। प्रोफाइल फॉलो करते ही जैसे ही आप हमारे कोर्स पे क्लिक करोगे, कोर्स पे क्लिक करते ही गेट सब्सक्रिप्शन का बटन आपको दिखेगा। अब जैसे ही गेट सब्सक्रिप्शन के बटन पे क्लिक करोगे, ऐसा एक ड्यूरेशन का पेज ओपन हो जाएगा। अब इस ड्यूरेशन के पेज में यहाँ हमने 2 ड्यूरेशंस को हाईलाइट किया है, जिस पे आप किसी पे भी जा सकते हो कंपैरेटिवली। 6 मंथ के लिए कॉस्ट प्राइस दिखेगा आपको वहाँ 4800, 12 मंथ्स के लिए कॉस्ट प्राइस दिखेगा 6000। जैसे ही आप कोड अप्लाई कर दोगे SMS 10, ये हो जाएगा 4320 और ये हो जाएगा आपका 5400। तो बस अब जनरली आप डिसाइड कर सकते हो कि रीजनेबली किस में आपको कितने ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। ऑल अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन है ये, तो इसमें आपको रीजनिंग के दूसरे एजुकेटर्स प्लस दूसरे सब्जेक्ट्स, दैट इज मैथ्स, GS, इंग्लिश, सारे के सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस, सब कुछ मिलेगा। टेस्ट हो गया, एनालिसिस हो गया, लाइव इंटरेक्शंस हो गए, दैट मीन्स ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपसे छूटा रहेगा। बस कोड जो है वो याद रखना, दैट इज SMS 10। अब बढ़ते हैं हम आगे, क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और क्वेश्चंस के साथ साथ ट्रिक्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा मिरर इमेज। अब मिरर इमेज अगर आपसे पूछा जाता है डायरेक्टली कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में, तो अगर हमसे बोला है व्हाट कुड बी द मिरर इमेज ऑफ 720, तो आप सिंपली ये याद रखना, सब्ट्रैक्ट द गिवन टाइम, सब्ट्रैक्ट द गिवन टाइम बाय 1160। दिए गए टाइम को 1160 से सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई भी टाइम। तो अब जैसे हमें यहाँ पे मान लो 720 दिया हुआ है, तो 1160 माइनस 720, तो अब जैसे ही इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा, 11 में से 7 जाएगा, तो बचेगा 4। दैट मीन्स 720 की मिरर इमेज इज वॉट, 440। एज सिंपल एज दैट। अब हम घड़ी बना के कर रहे होते हैं यार, तो एक बात बताओ, आता तो यही कैसे आता है, यही देखो टाइम है 720, ये है काटा 7, ये है काटा 8, ये है काटा 9, और यहाँ है 4, यहाँ है 5, यहाँ है 3, ठीक है। अब 720 बोला है, तो एक बात बताओ, आवर हैंड हमारा 7 और 8 के थोड़ा सा बीच में होगा, और 20 मतलब एग्जैक्टली काटा किस पे होगा आपका, 4 पे, करेक्ट। तो अब जब यहाँ पे 4 पे होगा, तो 4 का एग्जैक्टली
मिरर इमेज आर्ट से बनेगा, 20 मिनट्स का रिफ्लेक्शन 40 मिनट्स होगा, पक्की बात। अब जो ये आवर का हैंड 7 और 8 के बीच में, यहाँ पे यही हैंड 4 और 5 के बीच हो जाएगा, तो कहलाएगा तो वही ना 4:40। तो इसीलिए आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर ए। चाहे घड़ी के हिसाब से करते, चाहे आप ट्रिक से करते, तो ट्रिक से करोगे तो इतनी मेहनत नहीं लगनी पड़ेगी ये देखने की कि कांटा एक्चुअली है कहाँ। ठीक है, चलो अगला देखो, 4:33, अगेन मिरर इमेज। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 1160 माइनस 433। तो 1160 माइनस 433 कर दो फटाफट, 10 में से 3 गया 7, 6 में से 3 नहीं 5 में से 3 गया 2, और 11 में से 4 जाएगा तो बचेगा कितना, 7। सो 727 इज द राइट आंसर। बात समझ आई? अगला देखो, 1145। अब इस 1145 पे देखो कितना होगा, तो यस करना तो हमें सब्ट्रैक्ट फिर से 1160 से ही। तो अब जब आप इसको 1160 का 1145 करोगे सब्ट्रैक्ट, तब 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा 5 में से 4 गया 1 बचेगा, और 0। तो 1145 की मिरर इमेज विल बी 12:15। समझ में आई? यस। तो इजी हो जाता है, जैसे ही हम ट्रिक अप्लाई कर देते हैं ना, तो बहुत इजी हो जाता है, फिर हमें ये बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना पड़ता कि अब हम घड़ी बनाएं, कांटे बनाएं, किसको कितना आगे बढ़ाएं, किसको कितना पीछे करें। ठीक है, चलो लेट्स सी द फोर्थ वाला। अब 1:05, 1:05। तो अगेन 11:60 से ही सब्ट्रैक्ट करना है। अब कितना हुआ, 10 में से 5 गया 5, ऑब्वियस सी बात है यहाँ तो 5 ही हो जाएगा, और 11 में से 1 गया तो 10। सो 1:05 की मिरर इमेज विल बी 10:55। ठीक है, लेट्स सी द अगला वाला। व्हाट कुड बी द मिरर इमेज ऑफ 10:28? 10:28 की दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो हमें लगता है आप लोगों ने भी देखते देखते बिल्कुल निकाल ही लिया होगा आंसर। 11:60, 10:28, तो कितना हुआ यहाँ पे हमारा, 10 में से 8 गया 2, ये 5 में से 2 गया 3, और बस 11 में से 10 गया 1। सो 132 इज द राइट आंसर। क्लियर? अगला देखो, 5:30 है तो मिरर इमेज ही, तो 11:60 को बिल्कुल मत भूलो, 11:60 से इसको भी डिवाइड माइनस कर दो, ये हो गया 30, और 11 में से 5 गया तो 6, तो 5:30 का रिफ्लेक्शन 6:30, करेक्ट। अगला देखो, व्हाट कुड बी द मिरर इमेज ऑफ 3:15? तो 11:60 माइनस 3:15 5 4, और ये हो गया कितना आपका, 8। सो 8:45 ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, 1160 माइनस 8:40, तो ये हो गया हमारा 3:20। एज सिंपल एज दैट। करना आपको हर बार सिर्फ और सिर्फ 1160 से ही सब्ट्रैक्ट। अब 9:57 है, तो 1160 माइनस 9:57, तो 10 में से 7 गया 3, 5 में से 5 गया 0, और 11 में से 9 गया 2, तो 203, ये हो गया। नेक्स्ट देखो, 10 बजे का, 11:60 माइनस 10, ये तो हो गया आपका कितना, 60 का 60, 11 में से 10 गया 1, तो 160 एक्चुअली कोई टाइम होता है क्या? 160 होता है हमारा 2 बजे, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे 160 दिया हुआ है ना, तो हम एज इट इज मार्क करेंगे। लेकिन मान लो अगर हमें 160 की जगह ये 2 लिखा होता, तो हम क्या कंसिडर करते, 2 ही कंसिडर करते, क्योंकि 160 का मतलब 2। अब यहाँ ये 260 लिखा है, तो इसका मतलब क्या था, 3। बात समझे? चलो अब आ गई हमारी वाटर इमेज। मिरर इमेज को एक बार रिवाइज करो जल्दी से, हमने यहाँ पे 1160 से माइनस किया था टू फाइंड द मिरर इमेज। अब वाटर इमेज को माइनस करने के लिए सब्ट्रैक्ट द गिवन टाइम, इसको भी हम लोग माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट द गिवन टाइम बाय 5:30, 17:90। दो वैल्यूज है हमारे पास, एक 5:30 और एक 17:90।
अब ऐसा नहीं है कि 5:30 एक पेयर है, 17:90 एक पेयर है। कंडीशन ऐसी है कि अगर इफ आवर की वैल्यू इज लेस देन 5 और इक्वल टू 5, तो हम किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे? 5 से। एंड इफ आवर की वैल्यू इज ग्रेटर देन 5, तब हम किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे? 17 से। बात समझ आई? आवर की वैल्यू 5 से कम या 5 से ज्यादा, 5 के बराबर, तो हम 5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये नोट कर लेना। और आवर की वैल्यू अगर 5 से ज्यादा तो हम 17 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। यही चीज हमें मिनट के साथ करना है कि इफ मिनट की वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 30, तो सब्ट्रैक्ट बाय 30। एंड अगर मिनट की वैल्यू 30 से बड़ी तो सब्ट्रैक्ट बाय 90। नोट कर लिया? आई होप यस, आपने इसको एज इट इज नोट कर लिया होगा। और अब जब इसको पढ़ोगे तो पढ़ते से ही समझ में भी आएगा कि सब्ट्रैक्ट द गिवन टाइम बाय 5:30 17:90 में आवर की वैल्यू 5 से छोटी या 5 के बराबर, तो 5 से सब्ट्रैक्ट होगा। आवर की वैल्यू 5 से बड़ी तो 17 से सब्ट्रैक्ट होगा। मिनट की वैल्यू 30 से छोटी या बराबर तो 30 से सब्ट्रैक्ट होगा। और मिनट की वैल्यू 30 से बड़ी तो 90 से सब्ट्रैक्ट होगा। अब यहाँ हमारे पास दिया हुआ है 720, तो 7 जो है वो हमारा ग्रेटर टू 5 है और 20 जो है हमारा वो लेसर टू 30 है। तो यहीं पे आपका ये एप्लीकेशन समझ में आ जाएगा। 720, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 17 से, क्योंकि आवर की वैल्यू 5 से बड़ी है और मिनट की वैल्यू 30 से छोटी है, तो इसको हम करेंगे 30 से। तो ऐसा नहीं है कि ये 5:30 और 17:90 एक पेयर है, ठीक है? तो अब कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, 30 में से 20 जाएगा तो बचा 10, और 17 में से 7 गया तो बचेगा कितना? 10। तो 10 इज द राइट आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। बात समझ आई? पक्का? बस ये कंडीशंस याद रखना, कब 5 से, कब 17 से, कब 30 से, कब 90 से, ठीक है? अगला देखो, 4:33। सो अब यहाँ पे 4:33 में 4 हमारा 5 से छोटा है, तो हम इसको 5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। और 33 है, हमने इसको 30 लिख दिया, 4:33, तो करेंगे हम इसको आवर की वैल्यू को 5 से सब्ट्रैक्ट और मिनट की वैल्यू को 90 से सब्ट्रैक्ट। तो अब ये कितना हो गया हमारा, बताओ बताओ? 7 है ना, 7 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ 8 में से 3 जाएगा 5 आ जाएगा, और 5 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 आ जाएगा। दैट मीन्स 157 इज द राइट आंसर। अगला देखो, 11:45। अब ये 11 और 45 ये दोनों ही 5:30 से बड़े, तो 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 17 से, 45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 90 से। तो 90 माइनस 45 तो 45 ही हो गया, और 17 माइनस 11 हो गया 6। That means 6:45 is the right answer. अगला करो 1:05। तो 1:05 में अब अगेन देखो ये 5:30 से ही छोटा है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे ऐसे ही 5:30 से ही, तो यहाँ आ जाएगा ये 25 और ये आ जाएगा 4। अगला देखो, तो 4:25 तो आंसर सही हो गया। 10:28। अब 10:05 से बड़ा, 17 से माइनस, 28 30 से छोटा तो 30 से माइनस, यहाँ कितना हुआ 2, और 17 माइनस 10 हो गया 7, करेक्ट। तो 7 बच के 2 मिनट्स। अगला देखो 5:30। अब 5:30 तो 5:30 तो 5:30 से ही ना सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि हमने कंडीशन क्या बताई थी, 5 से छोटा या 5 से बराबर, 30 से छोटा या 30 के बराबर। तो यहाँ तो आ गया 0000। अब यार जीरो आवर का मतलब क्लॉक में क्या होता है? जीरो आवर का मतलब होता है 12 बजे। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? अगला देखो 3:15। तो 5:30 से ही सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि 3 5 से छोटा और 15 30 से छोटा, तो ये हो गया 15 और 5 - 3 हो गया 2। सो 2:15 इज द राइट आंसर, ठीक है? नेक्स्ट देखो 8:40। 17 माइनस 8 90
-40, तो 90 - 40 हो गया कितना 50, और 17 - 8 हो गया 9, सो 950 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट देखो 957, 17 - 9 - 90 - 57, तो 10 में से 7 गया 3, ये यहाँ बचा कितना 8 में से 5 गया 3, 33, और 17 में से 9 गया तो 8, 833 इज द राइट आंसर. चलो अगला बताओ, 10 बजे का निकालना है, वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल. 10 को हम माइनस करेंगे 17 से, और ये तो 30 का 30, क्योंकि 0 है ना, 5 से छोटा, अब 0 है तो ये मत सोचना कि 0 का 0 ही रहेगा, वाटर इमेज में पलट जाता है, तो इसीलिए ये 30 आ जाएगा, और 17 - 10 मतलब ये हो जाएगा 7, समझ गए, तो ये हो गया. ठीक है, ये एनिमेशन नीचे खिसक गया है, नो वरीज, आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है. 25 हो ही नहीं सकता ना, 25 कैसे होगा, 25 हो ही नहीं सकता, क्योंकि 30 - 0 तो 30 का 30 ही रहेगा, तो 730 इज द राइट आंसर. ठीक है, अब यहीं पे दो बातें निकल के आती हैं, एक हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इमेज अमंग मिरर एंड वॉटर इज कॉल्ड एन इमेजिनरी इमेज या काल्पनिक प्रतिबिंब. तो आंसर इसका हमेशा क्या होगा, वॉटर, क्योंकि आप खुद सोचो, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ये चीज प्रूव हुई है, कहाँ 7:30, 7 और 8 के बीच में काटा, और 10 बजे मतलब एक्यूरेट 10 पे और एक्यूरेट 12 पे, पर पलट क्या रहा है तो 7:30 बज रहे, 5:30 की वाटर इमेज 12 बजे, तो इसीलिए जो इमेजिनरी इमेज है वो हमारी हमेशा वाटर इमेज कहलाएगी. ये वन लाइनर क्वेश्चन, ये भी सीधा सीधा पूछा जाता है. ठीक, बाकी टाइमिंग क्लासेस की आपको क्लियर है ही. सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, एंड याद रखेंगे मंडे से लेके सैटरडे तक 5:30 AM ये सेशन प्रीमियर होता है, और इसके अलावा सैटरडे संडे हम लोग लाइव सेशंस कंडक्ट करते हैं 7 बजे से 8 बजे. ठीक है, तो रेगुलर बेसिस पे दिन में किसी भी टाइम पे आप देखो, अगर सुबह 5:30 बजे नहीं देख सकते, लेकिन देखो जरूर, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे. तो अभी की क्लास में बस इतना ही, सी यू ऑल टुमारो अगैन, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ गुड डे.